हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंतशा। कैसे हैं आप सब? तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेकअप लुक लेकर आई हूं। तो फर्स्ट मैंने अपने फेस पे गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर यूज़ किया था, एंड सेकंड मैंने गुड वाइब्स की हनी जेल यूज़ किया था, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मेरा फेस ड्राई था तो मैंने इसको यूज़ किया, और उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ किया और उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने सीसी क्रीम यूज़ की थी लैक्मे 925 की, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उससे अच्छे से फेस पे ब्लेंड कर लिया था। देन उसके बाद मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया था। उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया था। ये कंसीलर ब्लू हेवन का था और बहुत ज़्यादा अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छा वाला कंसीलर है। फेस पे अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है, इजीली ब्लेंड भी हो जाता है और काफ़ी देर तक फेस पे रहता भी है। उसको अप्लाई करने के बाद मैंने लूज़ पाउडर से लैक्मे के रोज़ लूज़ पाउडर से मैंने अपने फेस को सेट कर लिया था। एंड जब भी अच्छे से सेट हो गया तो उसके बाद मैंने जो अपनी आई आपको दिखाया ही था, ये मैंने पैलेट मंगाई हुई थी तो मैंने दिखाई, तो उसे ब्लैक कलर लेकर अपने दोनों आईब्रो को फिल कर लिया था। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली पैलेट है। मुझे बिलीव भी नहीं हुआ था कि इतनी अच्छी होगी, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी पैलेट निकली और इसके सारे शेड्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो मैंने इसको अपने आईब्रो पे अच्छे से फिल कर लिया था और ये इजली ब्लेंड हो गई थी और बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद ये क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, मैंने उसी से आई का मेकअप किया था, तो एक ब्राउन कलर का शेड लिया था मैंने, उसको अपने लिड पे लगा लिया था। एंड फिर उसके बाद डार्क ब्राउन शेड लेके मैंने उसके नीचे अप्लाई किया था और गोल्डन कलर के शेड से अपनी आईज़ को कंप्लीट किया था, जो कि लगने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उधर की आईज़ का मैंने बनाई थी बट शायद क्लिप डिलीट हो गई थी, तो इस वजह से मिस हो गई थी, फिर मुझे मिली नहीं, तो मैंने कहा ऐसे ही डाल देती हूँ वीडियो। फिर उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे से अपने आईज पे अप्लाई किया था। उसके बाद ये मैंने इस पे लगाया था लाइनर। ये लाइनर मेरी ईदी पर आया हुआ था तो उस किट में था, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा वाला लाइनर है। इसका नाम मुझे याद नहीं है बट बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ और बहुत ज़्यादा ही अच्छा वाला लाइनर है। तो मैंने इसको अपने आईज पे अच्छे से अप्लाई कर लिया था। अच्छे से हो गया तो थोड़ा टाइम लग रहा था बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो जाता है और लगने के बाद काफ़ी देर तक आँखों पे रहता भी है। और उसके बाद मैंने इसको अपनी दोनों आईज पे लगा लिया था, अच्छे से अप्लाई कर लिया था। एंड इसी का मैंने ये मस्कारा भी इसी के साथ था, तो मस्कारा भी मैंने दोनों आईज पे अप्लाई कर लिया था। बहुत ज़्यादा अच्छा वाला लाइनर और मस्कारा है ये, और मैं इसकी क्या तारीफ़ करूं, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है बस, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मेरे आईज़ का मेकअप कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक शेड लेके अपने नीचे लोअर लैश भी लगाया था, एंड एक शिमरी सा हल्का सा वाइट कलर लेकर उसको अपने आगे आईज़ के लगाया था ताकि मेरी आईज़ और ज़्यादा अच्छी लगे। और मैंने उसको दोनों आईज़ पे अप्लाई कर लिया था। आईज़ में कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये आईज़ जो पैलेट मैंने मंगाई थी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने वीडियो फिर इसके बाद मैंने शेरॉन कंपनी का ही मैं अपने लोकल मार्केट से लिया था ये ब्लश, लेकिन ये ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऑनलाइन नहीं मंगाया था मैंने, मैं इसको लिया था यहीं लोकल शॉप से। तो इसको मैंने अपने ब्लश को लगा लिया था और काफ़ी अच्छा वाला शेड है, एकदम लाइट सा पीच कलर वाला, जो मुझे यही कलर पसंद भी है। फिर उसके बाद मैंने क्वीन कंपनी का हाइलाइटर लगाया था, सिल्वर हाइलाइटर, और हाइलाइटर मुझे ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं भर भर के लगाती हूँ। फिर मैंने इसको लगा लिया था आईज़ पे, मेरा आईज़ मेकअप कम्प्लीट हो गया था। और मैंने सेवन सस की ब्राउन कलर की लिपस्टिक अप्लाई की थी अपने फेस पे, अपने लिप्स पे, एंड सॉरी इसका कलर बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगता है। और अप्लाई करने के बाद
अच्छे से अप्लाई करने के बाद ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने नहीं किया था तो मैंने एक दूसरी वीडियो अपलोड किया था, तो ये है मेरे आइस का फुल मेकअप। आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी, मेरा मेकअप कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।